कम बैक टू माई चैनल। सो दिस इज माई फिफ्थ व्लॉग। तो फिफ्थ व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ, केशव भी आ गया मेरे साथ शूट करने के लिए। अच्छा नहीं लगता है, चलो अब चुप रहना। तो हम स्टार्ट करने वाले आज रातौर के अंदर शिव मंदिर दिखाऊंगी। तो यहाँ से हम आए थे क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है तो इस करके दिखा नहीं पाएंगे। तो यहाँ से खोल के, क्योंकि यहाँ सेफ्टी के लिए लगवा रखा है। तो अभी चलते हैं हम अंदर। सबसे आते यहाँ पे आपको ठंडा पानी मिल जाएगा। यहाँ पे वाटर कूलर भी है रहा, यहाँ पे लोग आते इसलिए मैं दिखा नहीं पा रही अच्छे से। और वहाँ पे लिखा है सूर्य भगवान जी जल देने का स्थान। तो यहाँ पे है बाबा जी के बगीचे वगैरह, तो यहाँ पे जो बाबा जी पानी वगैरह देते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि कैमरा साफ नहीं है, लेकिन जो धूप है उसकी वजह से कैमरा साफ नहीं आ रहा। और आप रियल में आके देखोगे काफ़ी सुंदर है। अभी पत्थर भी लग चुके हैं अच्छे तरीके से। अब है केले का पेड़ और यहाँ है काफ़ी बड़ा पेड़। केशव आ जा, तू पानी पीने लग जा कर जहाँ भी जाएगा। क्या बना रही है तू? वीडियो बना रही हूँ। हाँ जी, कहाँ दिखा रही है? मंदिर दिखा रही हूँ। किसको? किसको दिखा रही? गाइस को। अच्छा, अरे यहाँ पे आ दूना, यहाँ पे प्रसाद लेते हैं। आ जाओ चलते आगे थोड़ा सा। अरे यहाँ पे हमारी चुलबुली फ्रेंड, आ जाओ मिलवाते हैं इनसे भी। ये भाग रही है, काफ़ी ज़्यादा भागती रहती है हमसे डर के। ये रही चुलबुली। चलिए चुलबुली को तो देख लिया आपने। अरे बाबा जी अंदर बैठे तो उनको दिखाया मैंने, क्योंकि अजीब सा लगेगा ना। और यहाँ पे सबसे पहले हम बोर्ड देख लेते हैं यहाँ पे आके। केशव प्लीज़। तो चलिए आपने बोर्ड तो देख लिया, आप पढ़ के मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या है। और यहाँ पे आ चुके हम, काफ़ी सारे बोर्ड हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं अंदर जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। और जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाने की सोची थी उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस नहीं आया था। तो आप प्लीज़ अब की बारी इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस देना। और केशव चला गया तो यहाँ चाहेंगे हम। और यहाँ पर है घंटी जिसे हम बजाने वाले अब। तो चलिए यहाँ पर ग्रीन मैट है ताकि आपके पैर ख़राब ना हो, काफ़ी बड़ा होल है। तो चलिए अब खोलते हैं। कितनी बड़ी बैल है आप देख सकते हैं, रात को तो इतना अच्छा लगता है। सबसे पहले हम आ गए हैं यहाँ पे शिव जी के पास। और यहाँ पर है हमारे, क्या है, हनुमान जी हैं। आ जाओ चलते हैं। और यहाँ पर है गणेश जी। चलिए अब चलते हैं। अरे यहाँ पे धूप बत्ती वैसे अलाउड नहीं है, लेकिन लोग फिर भी लगा के चले जाते हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर सबसे आते हुए नाग देवता हमारे, और नीचे शिवलिंग। और एक और इसकी बड़ी, सबसे बढ़िया बात है कि अपने आप यहाँ पे अपने आप निकली थी जो शिवलिंग है। देख सकते हो आप, खुद ही देख सकते हो कितना, मतलब नीचे से आई है, बहुत ज़्यादा नीचे से। और हमें डर लगता है कई बार इसको झुकने में इसलिए। और यहाँ पे पहले पहाड़ वगैरह होते थे, तो अब यहाँ पे मंदिर बन चुका है, आप भी यहाँ के विज़िट कर सकते हैं। यहाँ पे नंदी जी, और वहाँ से पानी जाता है। चलिए अब हमने यहाँ पे खुला ही पड़ा है, यहाँ से पानी जाके पीछे चला जाता है। और यहाँ पे है बर्तन धोने की। चलिए यहाँ पे देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स हो रही हैं। चलिए, और यहाँ पे देखो कितनी बड़ी पेंटिंग है, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कलाकारी बहुत बढ़िया है। और यहाँ पर है हमारा ड्रम पीट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब शोर शराबा करने के लिए, मीन्स क्योंकि अब मंदिर है तो उसमें भगवान को बुलाने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ता है। पे खुली देख लो कितनी है यहाँ पे चीज़ें, खुले बहुत ज़्यादा पे हैं, जैसे भंडारा वगैरह होता है तो उसका मैट है। और ये है कितनी बड़ी, बहुत ज़्यादा पीछे जाके दिखाना पड़ेगा। देखो मतलब वॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बना रखे हैं, यहाँ पे पंखों की बिल्कुल आपको गर्मी लग सकती है गर्मी में। और यहाँ पे बाहर भी बहुत अच्छे कर रखे हैं। तो चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पर है श्री राम जी, और यहाँ पे माइक वगैरह, और यहाँ पे बुक्स है माइक वगैरह, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कीर्तन होता है मंडे को, आप भी आके यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो कीर्तन को। अरे एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाने भूल गई, चलो दिखाते हैं आपको, जल्दी जल्दी चलते हैं, हिल रहा होगा कैमरा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली फ़ोटो, फिर ये वाली, फिर ये वाली, और फिर ये वाली,
और फिर ये वाली ये है बाबा जी, और ये वाली इससे ऊपर, और ऊपर दिखा देती हूँ वो देखो कुरुक्षेत्र वाली है, ये वाली, हाँ कुरुक्षेत्र में ना ये होली की है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं ये होली वाली है, यहाँ पे लोग रहते हैं इनके साथ खेलते हुए, काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे खेलने में, और बाबा जी कलर लगाते तो और भी ज़्यादा। तो चलिए बस यही है कुछ बाबा जी की फ़ोटो, अगर आपको ये अच्छी लगी और देख के आपको काफ़ी मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड कुछ भी चेहरे पे हंसी आई हो तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना जो भी चैनल पे नए हैं। तो अभी चलते हैं, हमने आपको सारी चीज़ें दिखा दिया। ए सृष्टि सृष्टि, तो जो हमारे फ्रेंड्स आने वाले थे वो आ चुके हैं, तो आपको मैं उनसे मिलवा देती हूँ अभी। अगर आपको भी उनके चेहरे देखने के लिए आप काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि आप लाइक करे भी ना चले जाते हो, पर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शोर हो चुका है, और वहाँ पे पंडित जी मांझ रहे हैं बर्तन जो भी है। तो हमारे फ्रेंड्स आ चुके हैं, हाई कर दो प्लीज़, भाग क्यों रही है, हाई कर दो, हाई कर दो, हाई कर दो, हेलो हेलो, हाय क्यूटीज, चलो चलते अब केशव आ जाओ। तो अभी हम चलते हैं नंदी जी के पास, तो हमने यहाँ तक की तो वीडियो बन गई हमारी, थोड़ी सी आगे और चल लेते हैं हम, आ जाओ प्लीज़। और ये है हमारे यहाँ पे भ्रष्ट ध्वज नंदीगढ़, तो और यहाँ पे हमारे जहाँ से मैंने दिखाया था आपको सत्यम शिवम सुंदरम, और कितनी बड़ी वहाँ पे बिल्डिंग्स है आपको दिखा देती हूँ मैं, यहाँ से बनाई हुई, मतलब जो है डेकोरेशन काफ़ी बढ़िया कर रखी है मंदिर की, और शिवरात्रि भी तो आप देख ही सकते हो, ये देखिए। चलिए अब चलते हैं थोड़ी, अभी हम आपको यहाँ से दिखा देते हैं, एक मिनट वहाँ पर जाके ना मैंने आपको दिखाई नहीं, यहाँ पर चप्पल उतार देते हैं, यहाँ पे दिखाने वाले हम आपको, पीछे हमारे फार्म वगैरह, और ये देखो क्या मतलब पेड़, मतलब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे पेड़ की, फिर डस्टबिन रखे हुए हैं, ये भी डस्टबिन है, आ जाओ अभी। यहाँ पे है पंडित जी का कमरा, यहाँ पे है जैसे गर्मियों में आग बालनी वगैरह होती है तो उसके लिए काफ़ी सारे हैं गोहे, और हम यहाँ पर देख सकते हैं पादुकाएँ, किसकी है देख के आना जरा बाहर, किसकी पादुकाएँ रखी हुई हैं यहाँ पर, एक मिनट बाहर देखते हैं, फ्लैशबैक में दिखा देते हैं आपको। चलिए 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 चलिए, तो हम आ चुके हैं समाधि चरणदास जी की, चलिए हम थोड़ा सा अंदर चलते हैं अब, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी, और डेकोरेशन देखो इसकी, आ जाओ अंदर, और इसके ऊपर भी कितनी अच्छी कलाकारी करी हुई है देख सकते हैं आप, और यहाँ पर देखो एक भी चीज़ की माथे टेक लेते हैं, आप भी टेक लो वीडियो में से अगर आप यहाँ पे रियल में आओगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, और यहाँ के जो मतलब मैंने एक और धर्मशाला की बना रखी है, यहाँ की जो धर्मशाला है उसके यहाँ पे सामान रखा हुआ है इनका। चलिए अब चलते हैं हम, और यहाँ पे है कुछ इस तरीके से, मुझे समझ नहीं आ रही किस चीज़ के लिए है, चलिए अब हम चलते हैं, अगर आप यहाँ पे रियल में आओगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। यहाँ पे भंडारे के लिए देख लो कितनी बड़ी है, और यहाँ पे अन्नकूट का भंडार लग रहा है, अगर आपको पता है अन्नकूट का भंडार क्या होता है तो आप प्लीज़ वीडियो में बता देना मेरे को, क्योंकि मुझे तो पता है आपने खाया हुआ है, ये भी बता देना। और यहाँ पे हाँ बाबा जी के कुछ सामान रखने का, पहले यहाँ पे धूना होता था, यहाँ पे प्रसाद वगैरह देख तो लो, पहले यहाँ पे गोहे वगैरह रखते थे, अंदर जाके तो हम दिखा नहीं सकते, यहाँ पे है सबसे आते, यहाँ पे शोर, मतलब यहाँ पे अगर आपको कुछ करना है ना तो यहाँ पे आ जाओ भाई प्लीज़, यहाँ पे इतना अच्छा आपको ड्रम पीट करने के लिए मिल जाता है, इसको इतना मज़ा आता है, रात को तो इतना मज़ा आता है मंदिर में जाके, आ जाओ ऊपर चलते हैं।
शोर मत करो भाई। चले हमने बजा दिया, अब चलते हम। आप केशव प्लीज शोर मत करो। और यहाँ पे है ये जहाँ पे हम माता वगैरह रखते हैं, तो आप माता जी भी दिखा देते हैं आपको। चले 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 चलते हैं। ओहो ओहो, कैमरा यहाँ से पकड़ेंगे हम। एक मिनट, आप ब्लैक ब्लैक हो गए होगा, आप देख सकते हैं आप हमारी माता जी को। ये रही देखो, कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पे आप इनका बेड भी देख सकते हो, और यहाँ पे इनके बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। चलिए अब हम चलते हैं, क्योंकि इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे को कैमरा निकालना पड़ रहा है बाहर। इसको भी इग्नोर करना। यहाँ पे देखो माता जी का बेड कितना सुंदर है, पीछे काफ़ी सामान रखा हुआ है। तो हम ज़्यादा छेड़छाड़ियाँ ना करके माता जी का आशीर्वाद लेके चलते हैं, और फूल फेंकते हैं माता जी के पास जाते हैं। गणेश जी, चुप 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 प्लीज चुप करो। चल अब थोड़ी परिक्रमा कर लेते हैं यहाँ की। चले चलते हैं। ये तो बस ऐसे बोलते रहते, उसको वीडियो दिखानी ही नहीं होती है क्योंकि उसकी बेइज्जती हो रही है इसमें। चलिए अब चलते हैं। तो केशव बोल रहा था किसी को भी, तो उसकी तो आदत है, तो आप उसकी तरह बिल्कुल नहीं मत करना। चलिए अब चलते हैं हम। तो यहाँ पर है जहाँ पे पंडित जी रहते हैं, वो दूसरे वाले पुजारी जी रहते हैं, और एक और पुजारी यहाँ पे जो उनके मामा लगते हैं। तो उनके नंबर लिखे हैं, अगर आपको कोई भी हवन वगैरह करवाना है तो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं आप। और मुझे कोई भी मतलब पैसे वगैरह नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे ये मंदिर की वीडियो शूट करनी है। तो ये नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बना कि उन्होंने कहा कि ये बोलने के लिए मुझे, मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ। यहाँ पर बैठने के लिए यहाँ पर फाउंटेन तो देख लो गाइस आप, फाउंटेन जब चलता है ना जून जुलाई में, इतना सुंदर लगता है, क्या बताऊँ। इस मंदिर की सुंदरता की बात करें तो इतनी ज़्यादा है ना या बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे सुंदरता की तो आप बात ही नहीं कर सकते। जो एक बार यहाँ आ जाते हैं ना, तो उसके जाने का ही नहीं मन करता। आप भी यहाँ पे ज़रूर देखना कि ये यज्ञशाला है। और मेरी वीडियोज़ को आप लाइक करना, और सब्सक्राइब तो आप करते हैं लेकिन शेयर भी करा करो वीडियोस को। यहाँ पे यज्ञशाला देखो, यज्ञ अंदर जाके बाद में दिखाएंगे आपको। चलो एक बार दिखाई देते हैं इनको, दिखाते हैं आपको अंदर जाके। यहाँ पे देखो यज्ञ करने के लिए है वो। अब गाइस देख सकते हो कितना, यहाँ पे आप ऊपर देखोगे तो जाते 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 कितना लंबा है गाइस। मैं तो हैरान हो गई, पहली बार इतना बड़ा देखा है। चलो अब चलते हैं बाहर, बहुत देख लिया। वहाँ पे है बाबा जी का एक और बगीचा। अरे डांटो मत, कोई नहीं बच्चे हैं, ये चप्पल लेके चले गए थे गाइस, कोई बात नहीं बच्चे हैं, डांटते नहीं आपसे। तो यहाँ पे सेफ्टी के लिए यहाँ पे फिर से ग्रिल लगी हुई है, और यहाँ पे ऊपर जाने के उनके लिए। और गाइस आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगी। तो क्या करना है वीडियो को, और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो अभी के लिए बाय गाइस, तो अब मैं वीडियोस आती रहेंगी। बाय गाइस।